कोई न्यू फीचर आया है या कोई हार्डवेयर इंटेंसिव टास्क आया है उसके पे उन्होंने पैकेज अपने बिल्ड कर लिए और उसके इंटीग्रेशन करके उन्होंने साथ यूज़ कर लिया है। तो इससे वो दोनों अपनी कॉस्ट भी सेव कर रहे थे क्योंकि एटी उनकी हाइब्रिड में थी एंड देन वो सिर्फ पैकेज को मेंटेन करने के लिए सिंगल डेवलपर हायर करते थे या वन और टू डेवलपर हायर करते थे जो कि उस पैकेज को अपडेट कर देते थे और इन uh, फ्यूचर उसको स्केल कर लेते थे कामा जब भी हम अपने कोई प्रोडक्ट्स स्क्रैच से बिल्ड करते हैं तो हमारे पास एक चैलेंज फेस होता है और वो चैलेंज ये है कि क्या हम इस प्रोडक्ट को नेटिव में बनाएं या हम इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म पर डेवलप करें क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे पास क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो ये हमारे पास एक मेजर चैलेंज होता है अच्छा, अच्छा अब्दुल्ला ये वैसे काफ़ी ज्यादा हॉट टॉपिक है एज अ मोबाइल डिवेलपमेंट मैंने भी ये फील किया है कि जब भी आप कोई ऐप स्क्रैच से बना रहे होते हैं तो क्रॉस प्लेटफॉर्म और नेटिव में डिसाइड करना काफ़ी ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो हम पहले समझ लेते हैं इस चीज को के नेटिव है, क्या और है क्या? इस तरह है कि हम हर प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिक के कोड बेस मेंटेन करते हैं लाइक जितने भी प्लेटफॉर्म्स के लिए हम डेवलपमेंट करेंगे लाइक आईओस के लिए करेंगे एंड्रॉइड के लिए तो हमें सेपरेट कोड बेसिस लेके चलना पड़ेंगी और उनका कोड जो है उनके रिलेटिव टेक्स्ट टैक्स में बिल्ड करना पड़ेगा लाइक like आयोस के लिए स्विफ्ट सी में एंड्रॉइड के लिए कॉटलिन में या जावा में तो हमें एक सेपरेट कोड कोरबेस जिसकी डेवलपमेंट सेपरेटली करनी पड़ेगी और हाइब्रिड डेवलपमेंट में आप बता देंगे कैसे अच्छा हाइब्रिड में ना इसे टोटली ऑपोजिट होता है हाइब्रिड में हमारे पास सिंगल कोड कोरबेस होती है जिसकी बेस पे हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपनी ऐप डेवलपमेंट करते हैं जिसमें हमारे पास एंड्रॉइड आयोस डेस्कटॉप वेब डीनेक्स एवरीथिंग आ जाते है कवर हो जाती है और इसमें बहुत सारे फेमस फ्रेमवर्क भी है हमारे पास जिसमें हमारे पास रिएक्ट नेटिव आता है हमारे पास फ्लटर आ रहा है आयोनिक आ रहा है जैमरिन आ रहा है और बहुत से अदर भी हैं तो ये तो हो गया कि हाइब्रिड वर्सेस नेटिव है लेकिन जब भी कोई हमने ऐप के बारे में चूज़ करना होता है टेक्नोलॉजी तो हमें कुछ की फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा कंसीडर करने पड़ते हैं आ, उनमें हमारे पास यूआई यूज़र एक्सपीरियंस आ जाता है देन हमारे पास परफॉर्मेंस आ जाते हैं टेस्टिंग आ जाती है स्केलेबिलिटी आ जाती है टाइम कॉस्ट हमारे पास आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हैं जिनको हमें डिस्कशन हम हमें करनी चाहिए इन पर अब्दुल्ला वट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड इन नेटिव उसमा इस इसमें इस तरह है कि जब भी आप चाह रहे हैं कि आपके यू आई कम्पोनेंट्स जो हैं वो स्पेसिफिक टू ओ एस लाइक कि आपको एक नेटिव फील चाहिए सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस चाहिए कि आपके यूज़र को फील आए कि वो एक नेटिव ऐप यूज़ कर रहा है लाइक जो टोटली totally उस इको सिस्टम के अकॉर्डिंग बनी हुई है तो देन आपको नेटिव डेवलपमेंट करनी चाहिए लाइक like, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप है व्हाट्सएप में हमारे जो आई ओ एस है

तो आप हाइब्रिड की तरफ जा सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑन इंस्टाग्राम कि इंस्टाग्राम आपको आई पे भी सेम यूज़र एक्सपीरियंस देगा और आपको एंड्रॉइड पे भी सेम यूज़र एक्सपीरियंस देगा uh, और क्रॉस प्लेटफॉर्म में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है इट लाइक प्रोवाइड यूर विजल अपीलिंग इन इन क्रिएट वेरी वेरी डेस्ट टाइम बिकॉज इट प्रोवाइड ऑल इट्स बिकॉजेंट आउट ऑफ द बॉक्स सिंगल कोड बेस को स्केल करवाना है न्यू फीचर हैं

इन माई ऑन एक्सपीरियंस आई हेव सीन समीम्स जिन्होंने अपनी एटी परसेंट ऑफ डिवेलपमेंट हाइब्रिड में क्रॉस प्लेटफॉर्म की है जबकि जो कि रिमेनिंग ट्वेंटी परसेंट कोई न्यू फीचर आया है या कोई हार्डवेयर इंटेंसिव टास्क आया उसके पे उन्होंने पैकेज अपने बिल्ड कर लिए हैं और उसके इंटीग्रेशन करके उन्होंने साथ यूज़ कर लिया है। तो इससे वो दोनों अपनी कॉस्ट भी सेव कर रहे थे क्योंकि एटी परसेंट उनकी हाइब्रिड में थी एंड देन वो सिर्फ पैकेज को मेनटेन करने के लिए सिंगल डिवेल्पर हायर करते थे या वन और टू डिवेल्पर हायर करते थे जो कि उस पैकेज को अपडेट कर देते थे, थे और इन uh, फ्यूचर उसको स्केल कर लेते थे अच्छा उसामा, अगर हम परफॉर्मेंस के रिलेटेड बात करते हैं तो अगर हमारी ऐप है ग्राफिक्स के रिलेटेड है इंटेंसिव टास्क परफॉर्म कर रही है या इमेज प्रोसेसिंग के रिलेटेड है या वीडियो रेंडरिंग के रिलेटेड है जिसमें काफी ज़्यादा कंजम्पशन काफी हाई है तो देन हमें नेटिव को चूज करना चाहिए बजाय इसके कि हम हाइब्रिड को चूज करें हाइब्रिड में क्योंकि परफॉर्मेंस लैग्स होते हैं एंड देर आर मेनी मोर थिंग्स तो देन हमें नेटिव चूज करना चाहिए बजाय इसके कि हम क्रॉस चूज़ करें अब्दुल्ला ये बी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि आपकी ऐप टोटली डिपेंड करती है हार्डवेयर पे या इंटेंसिव टास्क है तो उस केस में आपको नेटिव चूज़ करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपकी डेवलपमेंट के अंदर बट इसके अंदर मैं कुछ और भी पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा कि आई हैव सीन सम आर्टिकल्स एंड क्वेश्चंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कि जिसमें लोगों ने ये ये चीज़ मैंशन की है कि जब वो क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे तो उनका फर्स्ट लोडिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा इशू था कि वहाँ पर टाइम क्रॉस प्लेटफॉर्म ज़्यादा ले लेती हैं जबकि नेटिव है। में इतना ज़्यादा नहीं लिया जाता और एक और चीज़ है कि आपके पास सिंगल कोड बेस होने की वजह से कोड बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका ऐप भी हैवियर हो जाता है तो उन केस में अगर तो आपके पास पूरी की पूरी ऐप कम्पलीटली जिस तरह आपने ग्राफिक इंटेंसिव टास्क मेंशन किया उस केस में तो हमें नेटिव की तरफ जाना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा लेकिन मैं अगर हम नोशन की एग्जांपल लेते हैं नोशन के के ऊपर उनके इश्यूज आ रहा था परफॉर्मेंस के इश्यूज आ रहे थे कि उनके सर्च वाला फीचर जो काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा था तो उन्होंने अपने उसके लिए उन्होंने नेटिव ने में उन्होंने पैकेज डेवलप किया सर्च का सिर्फ फीचर बाकी उनकी पूरी ऐप क्रॉस प्लेटफॉर्म में थी उन्होंने जिसकी वजह से उन्होंने एटी परसेंट परफॉर्मेंस अचीव की इन एंड्रॉइड एंड सिक्सटी फाइव अचीव की इन आईवेस् तो ये भी एक अप्रोच है अच्छा अब्दुल्ला जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर न्यू अपडेट्स आती हैं तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं एज अ डेवलपर उस समय जब भी न्यू अपडेट्स अवेलेबल होती हैं तो जो नेटिव डेवलपर होते हैं उनको उन न्यू अपडेट्स की अर्ली एक्सेस होती है जिसकी वजह से वो कोई भी न्यू फीचर डेवलप कर सकते हैं और अपनी ऐप को स्केल कर सकते हैं लेकिन ऑन दी अदर साइड जब जो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर डेवलपर होते हैं उन्हें डिपेंडेंसी डिले फेस होता है जिसके उससे होता ही है कि जो डिपेंडेंसी जिसको यूज़ करके उन्हें वो फीचर डेवलप करना होता है वो वो डिपेंडेंसी कुछ देर के बाद अवेलेबल होती है या वो प्ले, प्लेटफॉर्म उस उस डिपेंडेंसी को थोड़ी देर के बाद प्रोवाइड करता है और देन फिर उस फीचर को डेवलप करते हैं एंड देन वो उसको स्केल कर पाते हैं सो so, ये एक इशू फेस होता है इन द केस ऑफ़ क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के जब भी न्यू अपडेट्स आती हैं तो उन्हें एक एक डिले फेस करना पड़ता है अब्दुल्ला कीपिंग इन व्यू द फैक्टर वी लाइक कॉस्ट टाइम

अब हमारे पास कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें नेटिव डेवलपमेंट करनी चाहिए या हमें क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करनी चाहिए वेलकम, इट्स टॉकिंग टू यू